हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा लाइफ का सेकंड ब्लॉग है, तो मैं आप लोगों को आज एक नया जगह पे लेके जाऊंगा जो कि गंगाधर ब्रिज है। काफ़ी पॉपुलर है, हमारे गांव के पास ही है, तो वहाँ पे एक छोटा पार्क भी है। तो आप लोग मेरे वीडियो देखते रहेगा और मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, तो हम उसके साथ जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइज, मैं और मेरे दोस्त ब्रिज पे आ चुके हैं, तो मेरा दोस्त आपको कुछ कहेगा, तो सुनिए। हाँ, तो हम आ चुके हैं गंगाधर ब्रिज पर, और उसके बाद हम गंगाधर ब्रिज के नीचे जाएंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि इससे 17 साल पहले तो गंगाधर ब्रिज तो नहीं था, इसलिए उसके बारे में कैसे ब्रिज बना उसके बारे में आपको कहानी बताएंगे। तो आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो देखते रहेगा। चलिए नीचे चलते हैं। चलो गाइज, और ऊपर से ब्रिज का व्यू ऐसा दिखता है कि बहुत ही सुंदर ब्रिज है। और हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और हमारा जो यहाँ पर जो लैंग्वेज है ना, वो बंगाली है, लेकिन मेरा दोस्त हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो नीचे चलते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो हम नीचे आ गए हैं, तो हम यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं। ऐसा दिखता है व्यू चारों तरफ, और सामने ही है छोटा पार्क जो कि जगह पे घास है, घास थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम पास में जाकर आप लोगों को दिखा देते हैं व्यू। और जो हमारे भैरव नदी है ना, यहाँ पर बहुत ही पानी रहता है, और ये जो देख रहे हो उस साइड में, वो जो खेती बाड़ी में पानी जाता है, वो नीचे भैरव नदी से वो उस साइड में जाता है। फ्रेंड्स, तो मैं नदी के बिल्कुल पास आ गया हूँ, तो यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है, और नदी का पानी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इस समय में नदी का पानी बहुत ज़्यादा होता है, और अभी बहुत कम हो गया है। तो इस नदी का नाम है भैरव नदी। मैं आप लोगों को बताता चला कि गंगाधर जो ब्रिज है ना, गंगाधर ब्रिज का नाम हुआ है। ये पास में एक गाँव है, उस गाँव के नाम के अनुसार इस ब्रिज का नाम हुआ है गंगाधर ब्रिज। और ये ब्रिज 17 साल पहले नहीं था, तब लोग नाव में चढ़कर इस पार से उस पार जाते थे, और जब पानी कम होता था तो तब पैदल जाकर इस पार से उस पार करते थे। तब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था लोगों को। 2005 में सर अधिरंजन चौधरी, जो कि बहरमपुर की MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पहला स्टेप लिया और इस ब्रिज को बनवाने में बहुत मदद किया है। आज ये ब्रिज है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाय गाइस, तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग था। तो हम घर से 3 बजे से निकले थे और शाम हो गए, तो मेरा फ़ोन का कैमरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस फील भी कर रहा हूँ। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसी बात है, मेरा फ्रेंड हिंदी में अच्छे से बात कर लेते तब बस। अब जो अभी तो वीडियो देख रहे हो ना, ये सेकेंड ब्लॉग है, थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। वो 3 बजे घर से निकले थे, अभी कितना बज रहे, 5:30 बज गए, तो अभी वीडियो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और इसका डिवाइस भी अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जो लोग ब्लॉग करते हैं और जो लोग पहली बार फेस को रिवील करते हो कैमरा के सामने में, ऐसे भी फ़ोटो हर कोई भी खिंचा लेते हैं, लेकिन भाई यूट्यूब में वीडियो बनाना, भाई तुम लोग तो पता है बहुत कड़वा है। तो जब भी है, आज को ये वीडियो पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आएगा, और मेरा अगला वीडियो भी आएगा। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं नया जगह पर जाऊँगा, आप लोगों को नया वीडियो दिखाता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।